मॉर्निंग चिल्ड्रन, मायसेल्फ हरीश सरीन। यस्टरडे वी स्टडीड दैट हाउ द सर्वेंट्स अपोज द ओपिनियन एंड व्यू ऑफ डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ यस्टरडे रीडिंग we read further the next paragraph. She went ahead and slid back door the partition. वो गलियारे से होते हुए दरवाजे को खोल करके, एक दरवाजा खोल करके आगे बढ़े। सदाव was not yet there. जब उस कमरे में पहुंची तो वहां पर उसने सदाव को नहीं पाया। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट। यूमी उसकी पत्नी अपनी काठ वाली बाल्टी नीचे रख करके हाना के पीछे पीछे चल। Then she went over to white man. और वो उस श्वेत अमेरिकन तक पहुंची। When she saw him, her thick lips folded themselves into the stubbornness. जब उसने उस श्वेत व्यक्ति को, श्वेत अमेरिकन सैनिक को देखा तो नफरत के कारण, घृणा से उसके होंठ जो थे बीच गए। आई एम नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन शी सेड एंड आई नॉट वॉश सो डर्टी अवन नाउ। यूमी ने अपने मन के उद्गार को प्रकट करते हुए अपना विरोध जताया कि मैंने आज तक किसी श्वेत व्यक्ति को साफ नहीं किया है और मैं इसकी भी सफाई नहीं करूं। देखो आप, एक नौकर जो है किस तरह से अपना उग्र विरोध प्रदर्शित कर रहा है। बात नौकर और नौकरी की नहीं है। तुम चाहे जहां भी रहो, जैसे भी रहो, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जो चीज तुम्हारे जमीर को गवारा नहीं होगा, भले ही तुम्हारी रोजी और रोटी क्यों न चली जाए, तुम उसको कबूल नहीं करोगे। ये घटना तुम्हारे साथ भी हो सकती है। हाना क्राइड एट हर सेवरली। हाना उसके जवाब को सुन करके गंभीरता पूर्वक चिल्लाई, चिल्लाते हुए बोली, जोर से बोली, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। क्या बोली? कि तुम वही करोगी जो तुम्हारा मालिक चाहेगा, जो तुम्हारा मालिक कहेगा। देयर वाज सो फार अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली ऑफेंड। एक नौकरानी के चेहरे पे इस कदर का सशक्त प्रतिरोध देख करके मालकिन हाना भी बुरी तरह से होंगे। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट वुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट इट हैपन, उसे डर सताने लगा कि कहीं बाहर जा करके
हमारे नौकर चाकर कोई ऐसी सूचना न दे दें, कोई इस प्रकार की सूचना न दे दें जो यहाँ पर घटा ही नहीं है, जो यहाँ पर घटित ही नहीं हुआ। नेक्स्ट पर वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, उसने गर्व से कहा बहुत अच्छा। यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम इन हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। तुम्हें ये हना बोली बहुत अच्छा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी तरह से ये व्यक्ति होश में आ जाए ताकि हम इसे एक कैदी के रूप में अपने देश की सेना को सुपुर्द कर सके। एक तरह से वो सपाही थी युमी के प्रतिरोध, वो भी इस बात से सहमत थी, कहीं ना कहीं उसके मन में भी था कि जो हम जापानी सैनिक का फेवर कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं से गलत है। इसलिए अपने किए की सफाई देते हुए उसने कहा कि हम मात्र सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति किसी तरह से होश में आ जाए ताकि हम इसे सेना को एक कैदी के रूप में सुपुर्द कर सकें। यू अंडरस्टैंड वी वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू सेल्स सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट यूमी से, I am a poor person and it is not my business. I will have nothing to do with it. Yumi ne jawab diya. Kya jawab diya? I will have nothing to do with it. Mujhse इस काम से जो कुछ भी वट एवर यू आर गोइंग टू डू कुछ लेना देना नहीं। हम लोग गरीब लोग हैं, आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं। देन प्लीज हना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क। ठीक, हना ने शालीनता से उससे कहा कि जब तुम नहीं करोगी तो ठीक है, तुम जिस कार्य के लिए नियुक्त हो जाओ वही काम। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तत्काल यूमी ने वो कमरा छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हना विद द व्हाइट मैन अलोन। लेकिन जब हना वहां से चली गई, जब यूमी वहां से चली गई तो उस श्वेत सैनिक के साथ अकेले सिर्फ हना बची रही। शी माइट हैव बीन टू ऑब्रेट टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टुबॉर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। शायद उस दृश्य से इतना डर गई थी, शायद उस दृश्य से हना इतना डर गई थी कि अपनी नौकरानी के द्वारा की गई ढीठता का प्रतिरोध नहीं कर सकी। व्हाटएवर द मेड सर्वेंट हैड डन That was not resisted by the master.
बायदहन ऐसा होता नहीं है। नौकर अपने मालिक की आज्ञा पालन करने के लिए होता है, लेकिन कभी कालात हालात ऐसे भी आ जाते हैं कि नौकर भी प्रतिरोध पे उतर आता है। और ठीक यही स्थिति यहां भी है, लेकिन कुछ सिचुएशन इस प्रकार की है, कहीं न कहीं से हाना भी डरी हुई है, इट इज नॉट लीगल, इट इज इलीगल, इट इज अगेंस्ट पैट्रियटिज्म, ये देशभक्ति के खिलाफ। इसलिए वो अपनी नौकरानी के ढीठता पे कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कह पाई। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरफुली, उसने उग्रता से धीमी आवाज में कहा कि बेवकूफ यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ ओन हेल्पलेस मैन, इज दिस एनीथिंग, क्या कोई बात है? किसी की मदद करना कोई बुरी बात है? लेकिन बात रही उस आदमी की जो श्वेत अमेरिकन है, ये बात सच है कि किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, वो एक इंसानियत, वो एक इंसानी जज्बा है कि बुरे समय में किसी की मदद कर दी जाए, इट इज द वॉयस ऑफ सोल। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि शुड दिस डिसीजन अप्लाई ऑन द इनमीज ऑल्सो, कि क्या ये नियम एक दुश्मन के ऊपर भी लागू होता है? एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, एक ऐसा दुश्मन है जो घायल है और असहाय, इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुप्रियॉरिटी शी बेंट इम्पल्सली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट केप द वाइट मैन कवर। अपने मालकिन होने की महत्ता को सोच करके वो कुछ नहीं होता, नौकरानी से उलझना नहीं चाहिए और कुछ नहीं बोली, उसने खुद बढ़ करके जो उसके बंधन थे, जो उसकी शर्ट की बटन थी, जो नाट थी, उसको जो है ढीला किया, खोल। इन कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुप्रियॉरिटी शी बेंट इम्पल्सली, वो जो है आवेग के साथ झुकी और चिथड़ों की, जो उसके कपड़े फट करके एक चिथड़े का रूप धारण कर लिए थे, उनकी गांठों को खोला। That kept the white man covered, जो चिथड़े उस श्वेत अमेरिकन सैनिक को ढके हुए थे, उन चिथड़ों को उसने खोल करके बाहर निकाला। When she had his breast bare, she dipped a small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face here. Or when she had
his breast bare. जब गांठों को खोल करके चिथड़ों को उतार करके उसके शरीर को नंगा किया, उसके सीने को नंगा किया, उसके पश्चात उसने गर्म पानी में भिगोई गई रुमाल से जिसको उसकी नौकरानी युमी वहां पर ले आई थी, उस गर्म पानी से उसने उसके शरीर को साफ The man's skin, though rubbed with exposed, was a fine texture and must have been very blunt when he was a child. कुपोषण और रखरखाव न होने के कारण उसकी त्वचा खुरदुरी हो गई थी, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि बचपन के दिनों में यह त्वचा कितनी खूबसूरत रही होगी, कितनी सुंदर रही होगी। While she was thinking these thoughts, though not really linking, really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. While she was thinking this thought, इन्हीं विचारों में के उधेड़ बुन में, इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए, though not really liking the man, यद्यपि हना इस श्वेत अमेरिकन सैनिक को ना पसंद कर रही थी, पसंद नहीं कर रही थी, now that he was no longer a child, जो कि अब एक बच्चा नहीं रह गया था, एक नौजवान सैनिक था, She kept on washing him until his upper body was quite clean. उसने उसके शरीर के ऊपरी भाग को साफ करके चिकना साफ किया, उस गंदगी को जो भी धूल कीचड़ उसके शरीर पर लगा हुआ था उसको ठीक तरह से अच्छी तरह से साफ किया। But she dared not to tell him. अब देखिए, आदमी जो है पीठ के बल लेटा हुआ है, हना जो है उसके चिथड़े उतार करके उसके शरीर के ऊपरी भाग को नंगा करती, गर्म पानी में तौलिया भिगो करके उसके शरीर के ऊपरी भाग को साफ करती, लेकिन इतना करने के बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उसको पलट करके उसके पीठ वाले भाग को भी साफ कर दे। वेयर वाज सदाव, सोचने लगती है कि सदाव कहां था, उसका पति कहां था। नाउ हर एंगर वाज इवन एंड सी वाज एनेक्सियस अगेन and she rose wiping her hand on the towel. अब उसका जो गुस्सा था, जो क्रोध था, ज्वार भाटे की तरह से कभी ऊपर उठ रहा था तो कभी नीचे आ रहा था, and she was anxious again. वो फिर से उत्सुक थी किस बात के लिए, एंड सी रोज खड़ी हो गई, उसी उत्सुकता में वो खड़ी हो गई। रीड द मेंटल कंडीशन ऑफ हन, गुस्सा जो था ज्वार भाटे की तरह से कभी ऊपर हो रहा था तो कभी नीचे आ रहा था, मन में उत्सुकता भी थी
और इसी भाव में वो क्या करती है, वहां पर उठ खड़ी होती है, वाइपिंग हर हैंड ऑन द रॉन्ग टॉवल, और गलत तौलिए से, जिस तौलिए से हाथ पोछने वाला नहीं पोछा जाता है, उस तौलिए से उसने अपने हाथ जो है पोंछ लिए। Then the less the man be jailed, she put the quilt over him. और कहीं ये आदमी जिसकी उसने अभी अभी सफाई कर रखी थी वो ठंडा ना पड़ जाए। Then the less the man be jailed, she put the quilt over him. उसने उसके शरीर के ऊपर रजाई डाल, रजाई से उसको ढक दिया। सदाओ सी कॉल्ड सॉफ्टली, और उसने मधुरता पूर्वक अपने पति सदाओ को आवाज दी। दैट्स ऑल।